I hope you are healthy and safe. आज मैं ग्रेड के के बच्चों लिए कुछ मैथ लेके आई स्टार्ट। तो यहां पे मैंने दोनों स्पाइडर डायग्राम बनाया है और इसको हमें सिक्स एंड सेवन टेबल यूज करके कम्प्लीट करना है जैसे यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं, लेकिन कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा ये नहीं लिखा है तो ये हमें कम्प्लीट करना है और ग्रेड फोर के बच्चों के लिए तो एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी तक टेबल आता है सो इट्स वेरी इजी जैसे मल्टीप्लाई विथ विच नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर तो ये सारे हमें आंसर लिखने हैं जैसे थ्री जार ट्वेंटी एट सेवन फाइव थर्टी फाइव सेवन सेवन जार सॉरी सेवन सिक्सर फोर्टी टू तो ऐसे दोनों टेबल को स्पाइडर डायग्राम में हमें यूज करके पूरा कंप्लीट करना है ये डायग्राम तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ग्रेड फोर के बच्चों के लिए डिजाइन कर सकते हैं अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रेक्शन तो ये नॉर्मल सब्ट्रेक्शन तो सॉरी डिविजन तो हम करते हैं यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रेक्शन यूज करके हमें डिवाइड करना है एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जैसे ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई सिक्स तो पहले हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जीरो सो हमें वन टू थ्री फोर आंसर आ गया तो ट्वेंटी फोर कितने टाइम में हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया फोर टाइम्स आंसर इज फोर तो ऐसे करके हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज करके डिवाइड करना है और एक एग्जाम्पल मैंने देती हूँ जैसे फिफ्टी फिफ्टी माइनस टेन फोर्टी फोर्टी माइनस टेन थर्टी थर्टी माइनस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस टेन 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 माइनस टेन जीरो तो हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया वन टू थ्री फोर फाइव तो आंसर इज इक्वल टू फाइव सो फिफ्टी डिवाइड बाई टेन इज इक्वल टू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कलर दू शोल एंड एक्साम्पल इंटू फोर एंड टू शेड ओनली टू फिगर इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट एंड वी हैव टू शेड ओनली वन बट दोर्शन आर इक्वल जैसे, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे टू शेड करना है और यहाँ पे टू शेड करना है और यहाँ पे वन पार्ट यहां पर हमने टू पार्ट शेड किया और यहाँ पे वन बट दशन आर इक्वल सो द बोथ आर इक्वल इंट्रैक्शन टू बाई फोर एंड वन बाय टू ऐसे हमें सारे पिक्चर्स में शो करना है मैं और एक एग्जाम्पल जैसी हूं जैसे यहाँ पे वन बाय फोर टू बाई एट सो दिक्चर इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट और आउट ऑफ फोर हमें वन पार्ट शेड करना है नाउ द पिक्चर इज डिवाइडेट इक्वल पार्ट यहाँ पे हमें टू पार्ट जैसे one, यहां पे two parts shade करना है। लेकिन ये पोर्सन दोनों इक्वल है सो वन बाय फोर एंड टू बाई टू इक्वल तो इसको हमें शो करना है ऐसे शेड करके तो ये ग्रेड फोर के बच्चों के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चन आंसर डिजाइन कर सकते फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो की है आंसर द फॉलोइंग सो टू बाई थ्री ऑफ ट्वेंटी सेवन तो पहले हमें क्या करना है थ्री को ट्वेंटी सेवन साथ डिवाइड करना है जो भी आंसर आएगा उसको हमें न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई थ्री वी नो थ्री नाइन जाओ ट्वेंटी फिर नाइन को हमें न्यूमिरेटर जो कि है टू सो नाइन मल्टीप्लाई विथ टू इज इक्वल टू एटीन सो आंसर इज एटीन तो ऐसे हमें क्वेश्चन आंसर बच्चों के लिए कर सकते हैं जैसे यहां पे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का दिया है लाइक like, जैसे यहां पे टू बाई सेवन बाई ट बाय ट्वेल्व ऑफ वन आर तो इन मिनट टू सिक्स सो सेवन बाई ट्वेल्व ऑफ सिक्स तो हमें ट्वेल्व में डिवाइड करना है जो भी आंसर आएगा उसको सेवन में मल्टीप्लाई करना है दैट इज द आंसर तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर आप बच्चों के लिए दे सकते हैं फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो किए फिल इन द ब्लैक्स हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू तो रूपीज वन रुपीज फाइव इज इक्वल टू डैश पैसा वन रुपीज इक्वल टू हंड्रेड पैसा सो फाइव रुपीज मतलब फाइव मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड इज फाइव हंड्रेड पैसा तो ऐसे पैसे और मनी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है वो आप बच्चों के लिए ग्रेड फोर के बच्चों के लिए स्पेशली दे सकते हैं अभी आते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल्स सो थ्री बाई टेन यहाँ पे एक जीरो है तो हम लिखेंगे जीरो पॉइंट थ्री यहाँ पे फोर बाई हंड्रेड तो यहाँ पे दो जीरो से तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर जैसे यहाँ पे वन फिफ्टी थ्री बाई टेन सो फर्स्ट वन फाइव क्योंकि एक जीरो है तो पॉइंट के बाद थ्री तो ऐसे फ्रैक्शन टू तो डेसिमल हम कन्वर्सन कर सकते हैं अगर आपको डेसिमल की कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो मेरे चैनल पे वो वीडियो है आप जाके देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कंप्लीट द पैटर्न तो वो जैसे यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो थ्री देन जीरो पॉइंट जीरो फोर तो नहीं जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो नेक्स्ट क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नेक्स्ट क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो जीरो एट जैसे यहाँ पे जीरो पॉइंट नाइन फाइव जीरो पॉइंट नाइन सिक्स जीरो पॉइंट नाइन सेवन जीरो पॉइंट नाइन एट फिर आएगा जीरो पॉइंट नाइन नाइन देन वन पॉइंट जीरो जीरो फिर वन पॉइंट जीरो वन तो ऐसे पैटर्न अब डेसिमल uh, रिलेटेड कुछ पैटर्न आप दे सकते हैं फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आंसर द फॉलोइंग तो यहां पे मैंने स्क्वेर स्क्वायर टेल्स एंड कॉफ्रेंस ये चार वर्ड्स हमें यूज करना है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूं मैं आपके लिए एग्जाम्पल जैसे ए डैश इज ए स्पेशल ट्राइंगल विथ फोर इक्वल साइड एंड कॉर्नर आंसर क्या है स्क्वायर इज ए स्पेशल ट्राइंगल विथ फोर इक्वल साइड एंड कॉर्नर्स फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि ए पॉलीगन विथ फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ पे हमें लिखना है वो सर्कल इज सिंपल डैश कर्व सर्कल इज सिंपल क्लोज कर्व द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमेंस तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर आप ग्रेड फोर के बच्चों के लिए दे सकते हैं सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आए थैंक यू फॉर वॉचिंग